जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ काली माता का एक ऐसा कवच जिसको एक बार बोलने से आपकी हमेशा रक्षा करती है माता काली। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज तक आप सभी भक्तों को ये वाला कवच माता काली का नहीं दिया, ये वाला मंत्र नहीं दिया जिससे माता काली आप लोगों की सदैव रक्षा करती है। अगर आपने कहीं भी रास्ते बीच में आपके साथ कुछ ऐसा लगे कि भाई कुछ गलत होने वाला है, यहाँ तक कि आपको कोई पागल कुत्ता, जंगली कुत्ते जो होते हैं वो भी काटने को आएंगे, जैसे आपके कोई कुत्ता पीछे पड़ रहा हो, तो खड़े खड़े बस आप लोगों को 3 बार सिर्फ इस कवच का मंत्र का जाप कर लेना है, वहीं के वहीं आपका बंधन हो जाएगा और उसके साथ साथ जो कुत्ता है वो आप तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग इसका चमत्कार अपने आसपास करके देख सकते हैं, और एक बार जब आप बोलेंगे इस कवच को तो ही आप लोगों को इसका चमत्कार दिख जाएगा। जैसे मान लो आपको डर लगता है सपने में, गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो उसके लिए भी ये सबसे बेटर है। और जैसे ही आप लोग इसका एक बार भी जाप करेंगे, दिन में एक बार भी, मतलब एक दिन में एक बार भी आप इसको बोलेंगे, तो समझ जाना कि माता काली आपकी रक्षा के लिए स्वयं आपके पास आ जाएगी और आपको कभी जीवन में कुछ भी नहीं होने देगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना, पूरी सब कुछ अच्छे से बताऊँगी। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि भक्तों आप सभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, काली माता का एक ऐसा कवच मैं आपको दूंगी इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जैसे ही आप इसका प्रयोग एक बार में करेंगे, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आप इसको 3 बार करें या 5 बार करें या 11 बार करें, इसका कोई मतलब गिनती नहीं है कि आपको कितनी बार करना है, सिर्फ आपको एक बार ही करना है, क्योंकि ये कवच ही ऐसा है, एक बार ही बोलने से ही अपना काम दिखाता है, चमत्कार दिखाता है। तो मैं आप सभी को ये जो कवच दे रही हूँ, पहले आपको ये बता देती हूँ, कवच बताने से पहले, मंत्र बताने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि आप लोगों को इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों जितने भी काली माता के भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस चैनल से महाकाली भगत ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले बताऊं, अगर आप लोग माता काली की पूजा पाठ करते हैं तो आप लोगों को एक दिन में सिर्फ एक बार ही इसको बोलना हो करेगा, अब चाहे आप सुबह बोलें, आप चाहे शाम को बोलें, ठीक है। ये कम से कम आपको 5 दिन इसका मतलब करना है, वो भी रोज़ का। फिर उसके बाद आपको इसको अपने दिमाग में रख के रखना है, जैसे ही कहीं रास्ते बीच में कोई ऐसी बात हो जाए जो कि आपको लगे कि कुछ गलत होने वाला है, तो तुरंत ही आपको इसका जाप करने ना स्टार्ट कर देना है। और आपको एक बार भी आप इसका बोलेंगे उसमें ही काम दिखाता है, ये ऐसा कवच है माता काली का, माता भद्र काली का, जिसका आप एक बार ही बोल देंगे, एक बार इसको पूरे अच्छी तरीके से आपको इसको रटना होगा अपने दिमाग में, इसको नोट कर लेना, नोटबुक में लिख लेना माँ काली भद्र काली कवच, ठीक है। ये एक मंत्र ही होता है, जैसे कवच ये होता है कि रक्षा के लिए। अगर मान लो मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ, जब 5 बार आप इसको सिद्ध कर लेंगे, इसका 5 बार का वो है, आपको इसको सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको किसी व्यक्ति को कोई डर लगता है भूत प्रेत से, किसी भी चीज़ से, सपने में डरावने सपने आते हैं, गंदे गंदे अलग अलग तरीके के सपने आते हैं, और मतलब कुछ भी कोई नेगेटिव शक्ति भी हो किसी व्यक्ति पर, तो आप उसको एक धागे बना के, काला धागा जो होता है, धागे को काले धागे में एक बार आपको इसी कवच को बोल देना है, अपने मुंह के पास रख के, हाथ में रख के, माता काली भद्र काली का नाम लेके, ठीक है, एक बार आपको इसको अच्छी तरीके से बोल के उस व्यक्ति को वो धागा दे देना है जो आपने इस मंत्र से, इस कवच से बनाया है धागा, वो उसको दे देना है, जिसको भी डरावनी सपने आते हों, डर लगता हो, किसी भी चीज़ की मतलब प्रॉब्लम हो, बीमारी हो कोई ऐसी, तो उसको हर चीज़ में ये काम करता है, आपको वो बना के दे देना है। जैसे ही आप उसे दे देंगे तो देख लेना जीवन में उसको कभी भी कोई डरावने सपने नहीं आने वाले, ना ही उसको कोई जल्दी से बीमारी अटैच मतलब टच करने वाली है, ना ही उसके साथ साथ कल को कोई भी आने वाले समय में उसके साथ बुरा होने को हो, कोई संकेत उसको ऐसा दिखाओ सपने के माध्यम में, तो वो जो संकेत है वो माता काली स्वयं उसका टाल देगी,
वो जो संकेत मतलब उसको गलत तरीके का जो भी अनुभव होंगे वो हमेशा के लिए उसको दूर उससे कर देगी माता काली, और उसके साथ व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कवच है ये ऑलरेडी सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ 5 बार आपको 5 दिन करना है, 1 दिन में 1 बार, फिर उसके बाद आपको नहीं करना है, फिर उसके बाद आपको इसे अपने दिल में रखना है, मन में रखना है। जब भी कभी आपको ऐसी कोई बात लगे तब बस 1 बार आपको बोलना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। और जो कवच है वो माता काली माँ भद्रकाली का ही कवच है, और वो कवच में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना और अच्छे से देख के उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर उसका ध्यान धरना। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका जाप करेंगे तो आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमेशा के लिए नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता की। ओम नमः शिवाय, हर हर।